मूवी की शुरुआत में हमें लाइटनिंग मैक्वीन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त मिडल के साथ रेसिंग ट्रैक में आया होता है रेसिंग करने के लिए। जब रेसिंग शुरू होती है तो मैक्वीन के साथ और भी कार्स रेस कर रही होती हैं, तो मैक्वीन का हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ पर उसके बहुत सारे फैन आए होते हैं जिसमें उसका दोस्त मिडल भी शामिल होता है, जहाँ पर ये सारी कार्स एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारे के साथ रेस करती हैं। कभी मैक्वीन जीत जाता है और कभी कोई और कार्स, ये सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं। पर जब एक दिन ये कार्स रेस कर रही होती हैं तो मैक्वीन के पीछे से एक नई कार आकर रेस जीत जाती है जिसका नाम जैक्सन स्टॉर्म होता है। जब उससे मिलने के लिए मैक्वीन उसके पास आता है तो जैक्सन उससे कहता है कि मुझे तुम्हें हराकर बहुत खुशी हुई, और दूसरी तरफ टीवी में उसकी हार का मजाक बनाया जा रहा होता है तो वहाँ पर नेटली को बुलाया जाता है जैक्सन की जीत को नंबरों में समझाने के लिए कि उसके जीत का राज नंबरों में छुपा हुआ है जो रेसिंग डेटा में साफ नजर आता है। टायर का प्रेशर, डाउन फोर्स, सही वजन, एरोडायनेमिक और स्टॉर्म जैसे रेसर इस बात का फायदा उठा लेते हैं। और अगले दिन जब रेस शुरू होती है तो रेस ट्रैक में हमें 6 और न्यू कार्स को दिखाया जाता है जो पुरानी कारों के बदले में आई होती है, क्योंकि अब मैक्वीन जैसी सारी पुरानी कार्सों का दिन अब ख़त्म हो गया। अब तो ट्रैक में जैक्सन जैसी हाईटेक कार्स की ज़रूरत है जिसकी पकड़ और स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर पाए। द कार वर्ल्ड इज चेंजिंग, अब ये चेंज मैक्वीन पर बहुत भारी पड़ने वाला है, और वो देखता है कि उसके बहुत अच्छे दोस्त कैल को भी रिटायर कर दिया जाता है। जब अगले दिन वहाँ पर रेस होती है तो उसके पुराने दोस्तों में से वहाँ पर कोई नहीं होता सिवाय उसके, सब नई जनरेशंस की कार होती हैं जिनकी बराबरी करते समय मैक्वीन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और 4 महीने बीत जाते हैं। हमें दोबारा से मैक्वीन को दिखाया जाता है जो अब ठीक हो गया होता है, जो वहाँ पर बैठकर टीवी में अपने कोच हटसन की पहले की रेस देख रहा होता है कि उनका भी कार एक्सीडेंट होता है जिसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। तो वहाँ पर उसके पास उसकी दोस्त सेल आती है जो उससे कहती है कि तुम कब तक शोक बनाओगे, अब उस बात को 4 महीने बीत गए, तुम्हें बदलना पड़ेगा। तो मैक्वीन एक फ़ोन के पास जाकर अपने पुराने स्पॉन्सर से बात करता है कि मैं दोबारा से इस रेस में आना चाहता हूँ, तो वो लोग मान जाते हैं। इसलिए मैक्वीन एक ट्रक में बैठकर उनके बताए पते में जाता है। ये रस्टीज रेसिंग सेंटर होता है जहाँ पर पहुंचकर उसे वो स्पॉन्सर्स मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि हमने अपना रेसिंग सेंटर स्टेलिंग को बेच दिया है जो अब से तुम्हें स्पॉन्सर करेगा, ये भी तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है इसलिए उसने दीवार पर हर जगह तुम्हारी ही फोटो लगाई होती है। जहाँ से स्टेलिंग मैक्वीन को अपने साथ ले जाता है उसके शरीर में नया पेंट करवाकर उसे पूरी जगह घुमाने के लिए, जहाँ पर पहले से और भी कार्स ट्रेनिंग कर रही होती हैं, और वहाँ पर करोड़ों रुपए की सिमुलेशन मशीन होती है जिसमें ट्रेनिंग करना हर रेसर का सपना होता है। और वहाँ पर स्टेलिंग उसे क्रूज से मिलवाता है जो अब से तुम्हारी नई ट्रेनर होगी, यही तुम्हें रेस के लिए ट्रेनिंग देगी। इसलिए क्रूज मैक्वीन को लेकर अपने साथ एक कमरे में चली जाती है जहाँ पर गाने बज रहे होते हैं जिसमें वो उसे डांस करने के लिए कहती है जिससे तुम्हारे टायर्स में लचक आएगी, और वहाँ से वो उसे दूसरे रेसिंग ट्रैक मशीन में ले जाती है जहाँ पर वो बहुत स्लो स्पीड में दौड़ता है, और आखिरी में वो जबरदस्ती सिमुलेशन मशीन में जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। पर क्रूज उसे मना करती है कि तुम अभी इस मशीन के लिए तैयार नहीं हो, पर फिर भी वो उस मशीन में रेसिंग करता है जिससे वो बेकाबू होकर करोड़ों रुपए की मशीन टूट जाती है, जिसके लिए स्टेलिंग क्रूज को ही डांटता है कि तुम ही इसकी जिम्मेदार हो।
तो ये बात मैक्वीन भी सुन लेता है और उसे भी बहुत बुरा लगता है। तो स्टेलिंग मैक्वीन को अपने साथ एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर पहले से मैक्वीन के नाम के बहुत सारी चीज़ें टायर से लेकर साबुन तक रखी होती है, जिन्हें दिखाकर स्टेलिंग मैक्वीन से कहता है कि अब तुम्हें रेसिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब बस रिटायर हो जाओ, हम ये सामान बेचकर बहुत पैसे कमा सकते हैं, अब तुम्हारे अंदर पहले जैसी बात नहीं है। पर मैक्वीन के कहने पर स्टेलिंग उसे एक रेस में पार्टिसिपेट करने का मौका दे देता है, जिसके लिए क्रूज अपने दो साथियों के साथ मैक्वीन की ट्रेनिंग करवाने के लिए एक बीच में आती है, जहां पर मैक्वीन उस ट्रैक में ना दौड़कर जमीन में दौड़ता है। पर जब क्रूज वहां पर मैक्वीन के साथ रेस करती है तो वो वहां पर चल नहीं पाती, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी जमीन पर ट्रेनिंग नहीं की होती। इसलिए मैक्वीन क्रूज को बीच में रेसिंग करना सिखाता है, जिसमें क्रूज को भी बहुत मज़ा आता है। पर मैक्वीन को एक असली का रेसिंग ट्रैक चाहिए होता है, जिसके लिए ये सब एक रेसिंग की जगह में जाते हैं जहां पर पहले से बहुत भीड़ होती है और उसे कोई पहचान ना ले, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारा कीचड़ डाल दिया जाता है। जब रेस शुरू होती है तो गलती से उस ट्रैक में क्रूज भी आ जाती है, इसलिए उसे भी उस रेस का हिस्सा बनना पड़ता है। पर ये रेस रेस नहीं होती, ये तो कार्स फाइट होती है, इसमें क्रूज बड़ी मुश्किल से जीत पाती है और मैक्वीन वहाँ पर मिट्टी में फंसा होता है, तो वहाँ पर एक पानी का टैंकर आकर पलट जाता है, जिससे मैक्वीन की मिट्टी हट जाती है और लोगों को पता चल जाता है कि ये लाइटनिंग मैक्वीन है। जहाँ से ये सब लोग चले जाते हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर की तरफ, पर मैक्वीन उन सब को वहाँ की जगह अपने गुरु के ट्रेनर के पास ले जाता है, जिसका नाम स्मोकी होता है। तो वो मैक्वीन के विनती करने के बाद मान जाते हैं उसकी ट्रेनिंग करवाने के लिए और वो उसे एक पुराने ट्रैक में ले जाते हैं, जहां पर वो उबड़ खाबड़ रास्तों में अपनी पूरी स्पीड से भागता है। पर उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए कोई और कार की ज़रूरत होती है, जिससे उसे अपनी स्पीड का पता चल सके कि और कारों के साथ रेस कैसे करते हैं। इसलिए क्रूज भी मैक्वीन के साथ वहां पर ट्रेनिंग करती है और वो भी उसे बराबर की टक्कर देती है, पर आखिरी लैप में क्रूज मैक्वीन को हरा देती है। और वो दिन भी आ जाता है जब मैक्वीन की रेस होती है उन सब कारों के साथ, जिसमें जैक्सन भी शामिल होता है। तो जब रेस शुरू होती है तो ये सब गाड़ियां अपनी पूरी स्पीड से भागती हैं और स्मोकी जो उसके ट्रेनर होते हैं वो मैक्वीन को किनारे में बैठकर इंटेक्शन देते हैं, पर तभी रेसिंग ट्रैक में कुछ कारें बेकाबू होकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मैक्वीन बाल बाल बचता है। तो उसको एक आइडिया आता है, जब वो अपने टायर चेंज कराने के लिए जाता है तो वो वहाँ पर अपनी जगह उस रेस में क्रूज को भेज देता है उसके ऊपर पेंट से अपना नंबर लिखकर, क्योंकि उसे पता है कि वो इस रेस में जीत नहीं सकता पर क्रूज इस रेस में जीत सकती है। और वो उसे वहाँ पर बैठकर इंट्रैक्शन देता है, जिसे फॉलो करते हुए क्रूज जैक्सन के पीछे पीछे चलती है और उसे इतना इरिटेट कर देती है कि वो बेकाबू हो जाता है और क्रूज उस रेस में जीत जाती है। और क्रूज मीडिया के सामने ये कहती है कि अब मैक्वीन को रिटायर होने की कोई ज़रूरत नहीं और अब से हम स्टेलिंग के लिए काम नहीं करेंगे। जहां से क्रूज मैक्वीन के साथ उसके गांव में आ जाती है और यहां पर ये दोनों मिलकर रेस करते हैं। और हम मिलते हैं एक नई मूवी के साथ अगली बार एक बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड बाय।